गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हो आप सब? और मेरा ये टमी कैसा लग रहा है? कुछ कुछ थोड़ा सा कम लग रहा है क्या? पर कोई बात नहीं, बहुत ही जल्दी कम हो जाएगा और उसी दिन का इंतजार कर रही हूँ। और उसी दिन के इंतजार में बहुत ही ज्यादा डाइट को ही पता नहीं चल रहा है तो किसी दूसरे को कैसे पता चलेगा। हो सकता है कि मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते और मेरे तसल्ली के लिए बोल दे के ओ शोमा दीदी तुम बहुत ज्यादा स्लिम लग रही हो। अच्छा। और मैं खुश हो जाऊंगी। सोनू बाबू एवरी डे 30 मिनट मुझे इससे मसल देना पड़ता है। ऐसे सोया हुआ रहेगा पूरे ये पूछ तक मसल देना पड़ता है इससे। वो देखो क्यों ना तुम शो पड़ो सो जाओ। मसाज लेने के टाइम में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए मसाज लेते हैं लोग, है ना। थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए मुंडी घुमा के देख रहा है कि मैं क्यों नहीं दे रही हूँ मसाज। अभी मेरा ये काम बाकी रह गया है। तो इससे आप बहुत ही आसानी से हेयर पे अप्लाई कर सकते हो। तो ये मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया क्योंकि लास्ट 2 वीक से मैं इसे यूज कर रही हूँ मेरे पास आने से। अर्गन ऑयल का जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अर्गन और एवोकाडो ऑयल। ये आपके हेयर के फ्रिजनेस को दूर करता है, ब्रेकेज का जो प्रॉब्लम है उसे कम्प्लीटली दूर करता है, ओवरऑल आपके हेयर का एक ट्रीटमेंट करता है ताकि आपकी हेयर की क्वालिटी इंप्रूव कर सके। इसमें है पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड जो कि डैमेज रिपेयर करने में बहुत हेल्प करते हैं, हेयर को नरिश करते हैं और हेयर को एक स्टाइलिश लुक देते हैं और फ्री रेडिकल्स के खिलाफ ये फाइट करता है। और इसके अलावा भी मेरे पास है और भी 3 हेयर ऑयल जो कि अमेजिंग हेयर ट्रीटमेंट आप बोल सकते हो। एक एक हेयर ऑयल एक एक हेयर प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे बनाया गया है। ये है ग्रीन आमला हेयर ऑयल और ये जो ऑयल है ये इंस्टेंटली आपके हेयर का ट्रीटमेंट करते हैं और इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है भृंगराज एंड आंवला। और ये है अनियन हेयर ऑयल और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है अनियन ऑयल एंड रेडिसले और ये यूज किया जाता है एक्सट्रीम हेयर फॉल के लिए, हेयर फॉल कंट्रोल के लिए ये अमेजिंग है। फिर हमारे पास है टी ट्री हेयर ऑयल और इसका मेन इंग्रेडिएंट है टी ट्री एंड जिंजर ऑयल। ये डैंड्रफ के खिलाफ फाइट करता है और आपके हेयर को डैंड्रफ फ्री बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से आपके हेयर के लिए जो सुटेबल है, जो प्रॉब्लम आपके हेयर में है वही आप यूज कर सकते हो। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप चेक कर सकते हो। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं ऑल नेचुरल एंड केमिकल फ्री और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होता है और क्लिनिकली अप्रूव और इनके प्रोडक्ट गुडनेस से भरे पड़े हैं। अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हो उनके वहां से तो आपका ऑर्डर उनके वेबसाइट का एक प्लान के साथ लिंक किया जाता है जो कि उन्होंने प्लान की है और वही प्लान का जियो लोकेशन और कौन सा पेज है और उसका पिक्चर आपको वो लोग भेज देते हैं। तो इस तरह से मामाअर्थ हमारे स्किन हेयर केयर के साथ साथ नेचर का भी पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। तो इस तरह से उनका इनिशिएटिव है कि 2025 के अंदर 1 मिलियन ट्री वो लोग प्लान करेंगे। क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट बनाने के लिए मामाअर्थ पेटा सर्टिफाइड है और उसके साथ साथ मामाअर्थ को मिला है ब्यूटी विदाउट बनी सर्टिफिकेशन और मामाअर्थ का प्रोडक्ट बनाया जाता है लव यानी कि केयर के साथ। तो उनके प्रोडक्ट्स के लिए कोई भी एनिमल का भी हार्म नहीं होता, ये उनका गारंटी है। सारे प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और जब भी आप इससे परचेस करने जाएंगे तो मेरा कोड जरूर यूज करना, तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा, वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो मामाअर्थ के साइट से इस प्रोडक्ट को परचेस करने से आपको इसके दाम के ऊपर 20% ऑफ मिल जाएगा, अदरवाइज ये आपको नायका अमेज़न में भी मिल जाएगा पर एमआरपी में। जबकि हम घर नहीं रह रहे हैं, हम जा रहे हैं बाहर, तो इसलिए ऑस्कर के लिए मटन
लेके मतलब फ्रिज में स्टोर करके जाना पड़ेगा। तुम्हें कोथा जाबे बात करते हुए निकल गई और मास्क लेना भूल गई थी। ताले हमरा फाइनली आती आती बेबी हमारे सोसाइटी का पीछे का दरवाजा, वो पीछे से हम निकले, पीछे से कट लिए ना पीछे से कट लिए तो गुड्डू यहाँ पे कार लेके खड़ा रहता है। तस्वीर से तू निकल के सामने कार यहाँ पे है पर गुड्डू मिसिंग। छोला माखा यानी के बॉइल्ड ब्लैक चना, उसे अनियन, धनिया और टमाटर ये सब चीज़ों के साथ मिक्स करके देते हैं। बहुत अच्छा लगता है खाने में और इतना अनहेल्दी भी नहीं, ये फूड के हिसाब से हेल्दी है, अनहेल्दी इतना नहीं है। तो बाहर जब जाते हो कुछ ना कुछ मुझे खाने का मन करता है, क्या करूँ, इतना आदत मतलब इतना भी सुधरी हुई नहीं हूँ, खाने का मन करता है। तो अगर स्टारबक्स में जाओ तो थोड़ा सा सैंडविच, और अगर ऐसे साइड में मतलब बाजार बाजार वगैरह कहीं पे जाओ तो थोड़ा सा ऐसे छोला माखा सब मतलब देख के ही मुंह में पानी आ जाता है। चाय बना लेते हैं, कार में खाया था पर अभी भी उसका जो तीखापन है वो नहीं गया, बात नहीं कर पा रही हूँ ठीक से। आप सबके सामने एक बड़ा सा अनाउंसमेंट करना है, मैं चाय बनाई अच्छे से सारे कप धो के, आज ये चाय ले जाके सबको ये दिखाना चाहते हैं कि ये इसने बनाया, और मुझे बोल रहा है कि कैमरा तुम ही धरो, आमी चाय नहीं जाच्छी, यानी कि कैमरा तुम पकड़ो, मैं चाय लेके जा रहा हूँ। बंधुगण नहीं कहता है, बंधुगण बंधु भी एक वर्ड होता है। वैसे भी जो भी हो, मैं जस्ट बोलने वाली थी, मिथुन कब से कैमरा पकड़ पकड़ के ब्लॉगिंग करूँ, तुम्हारा वहाँ पे काम अगर खत्म हो गया हो तो थोड़ा सा कैमरा पकड़ो ना, मैं थोड़ा चाय को स्टेन कर रही हूँ, चाय लेके जा रही हूँ। बोले एक काम करो, तुम पकड़ो मैं लेके जा रहा हूँ, इतना काम तो तुमने किया, इतना बड़ा बड़ा मग है इसे कैसे संभालोगे। खाना है बीकू 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 बीकू, मन में प्रजापति बिस्किट फूटा, मन में लड्डू फूटा, यही देखो मन में बिस्किट टूटा, नहीं मन में प्रजापति बिस्किट टूटा। ओके कौन खाएगा कौन खाएगा, उली बाबा उली बाबा उली बाबा, बस अभी इंतजार है कि कब हमसे चाय मांगेगा। चाय के बिना सूखा बिस्किट कोई खा सकता है क्या? आर्यन तो कभी चाय नहीं पीता ना, आर्यन तो बाबा हाँ, अरे बाबा बसे ही आछे, मिठुन तुम्हें की शेखाचो बच्चाटाके, एक बिस्किट के लिए इतना तरसना ठीक नहीं है, तरसाना सॉरी।
फाइनली हम अभी पैकिंग करने जा रहे हैं। जनवरी का जो बहुत सारे प्लानिंग हुआ था हमारा, मेरे सिस्टर, मेरे मासी के फैमिली सब लोग जाने वाले थे, पर किसी का टाइम मैच नहीं हो रहा था। तो अल्टीमेट हमारा जो वो ट्रिप था, वो ट्रिप हमें कैंसिल करना पड़ा। फिर मिथुन ने कहा कि कैंसिल कर, इससे अच्छा है कि हम तो एटलीस्ट चले जाए। तो हम जा रहे हैं कल छोड़ के परसों। तो हर बार क्या होता है, जब भी हम कहीं पे जाते हैं ना वैकेशन पे, तो जस्ट पहले दिन हम पैकिंग करते हैं, और वो चीज़ बहुत गलत होता है कि पैकिंग जब आप पहले दिन करो तो आधे से ज़्यादा चीज़ हम भूल जाते हैं। रात भर हम पैकिंग करते रहते हैं, ये लिया वो लिया, ये बहुत सारी चीज़ें, और पूरी रात हम सो नहीं पाते। और नेक्स्ट डे जब ट्रेवल करते हैं ना, तो बिल्कुल टायर्ड, हर फेस में बिल्कुल टायर्डनेस आपको दिखाई देता है। हर बार लास्ट बार जब गोवा गई थी तब भी वही हुआ था। तो इस बार मैंने सोचा कि एक दो दिन पहले हम पैकिंग कर ले। तो कल छोड़ के परसों हम जा रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं मैं आपको बाद में बताती हूँ। After school each day and skip many stones from the beach. And one thing you said was listen, I will have your back always. And now we're grown up, I don't really see you know. There's too much to be. काफी हद तक पैकिंग मेरा हो चुका है और इस तरफ भी कुछ डालना है। मिथुन बोल रहे हैं कि मिथुन अपना पैकिंग खुद करेंगे, तो ये दो तीन जैकेट यहाँ पे देखे गए हैं, और बाकी का दूसरे ट्रॉली में मिथुन का जाएगा, मेरा और आर्यन के एक ही ट्रॉली में रहेगा। तो वो नीचे रहा आर्यन का, और ये सारे मेरा विंटर वेयर। तो अभी इनमें से एक तो मैं पहन के जाऊँगी, वो मुझे नीचे रखना है। जीन्स मैं पहन के, एक ही जीन्स लूँगी, वो पहन के जा रही हूँ। और एक हफ्ते का छुट्टी है तो इसलिए कपड़े भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा, लगेज वैसे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये विंटर में और कितना होगा पता नहीं, क्योंकि विंटर में इतना ट्रैवल हम नहीं करते। लास्ट ईयर दिल्ली और दिल्ली होके कोलकाता आए थे, उस टाइम में भी बहुत सारा लगेज हुआ था। पर मिथुन बोल रहे हैं कि इस टाइम में तो घर नहीं जा रहे या कहीं, और इस टाइम में सिर्फ वैकेशन के लिए जा रहे, तो जितना कम लगेज हो सके उतना बनाओ। आने जाने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, पता है, जो कैब ना, कैब में ये सारी चीज़ें डालना बहुत मुश्किल हो जाता है। कैब ड्राइवर आके ठूस ठूस के बेचारा, उनको भी प्रॉब्लम हो जाता है, हमें भी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए पर सपोज एक अगर गंदा हो जाता है तो दूसरा तो पहनना पड़ेगा ना, तो इस हिसाब से ले रहे हैं अभी। मतलब रात भर यही करेंगे ताकि कल पूरा दिन हम फ्री रह सके, कल हम याद करें कि कौन कौन सा चीज़ हमने नहीं ली और लेना चाहिए। और ये सारे मेकअप के थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स, ये काजल, लिपस्टिक वगैरह, और बॉडी लोशन और फेस क्रीम या सीरम, ये सारे चीज़ें तो मुझे अच्छी तरह से देख देख के लेना है, अदरवाइज मैं तो गई। यही सब अभी चल रहा है। तो जो भी हो, आने वाले ब्लॉग्स बहुत खूबसूरत होगा, बहुत मस्ती भरा होगा। आई होप कि आपके साथ मैं वो सारे मस्ती जो कि हम करने वाले हैं अच्छी तरह से मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, तो जाके मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग एंजॉय कर पाए। तो चलिए आज इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।